सर मैथ्स का रिवीजन कैसे करें? यार एक है ना, ये कमेंट बड़ा कॉमन सा रहता है कि मैथ्स का रिवीजन कैसे करें, क्योंकि बहुत मेरे भाई यहाँ पर ये कहते हैं कि सर मैथ्स को हम पढ़ते तो हैं यहाँ पे तरीके से, लेकिन बस ये हो जाता है कि जब भी हम कोई नए चैप्टर पे जाते हैं पिछला भूल जाते हैं। ऑफलाइन में आए दिन 5 बच्चों का ऐसा कमेंट रहता है कि सर जब भी हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं ना तो पीछे का पूरा जो है वो सफा चट हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। उस केस में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आज आप जो पढ़ोगे ना पूरा का पूरा जो है आपके माइंड में 100% रिटेन होने वाला है, कभी नहीं होगा ऐसा, आप भूलोगे ही भूलोगे। अब जो आपका ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, यहाँ है ना कि मैथ्स यहाँ पर जो है वो कैसे ना भूले या पढ़ा हुआ कैसे ना भूले, बड़ा सिंपल सा बात आप पूछते हैं, पढ़ा हुआ ठीक है कैसे ना भूले। अब सभी इस बात को समझना बड़े ध्यान से। आप मेरे भाई क्या करते हो पता है? आप लोगों का जो तरीका रहता है, आप लोगों ने मान लीजिए कि आज परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, सपोज करिए मैथ्स में, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, फिर धीरे 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 मान लीजिए आप पढ़ते चले गए और उसके बाद आप ज्योमेट्री पे आ गए, आप नंबर सिस्टम पे आ गए। अब यहाँ पर कहानी पता है क्या होगी? जब प्रॉफिट लॉस पे आओगे ना तुम्हारा परसेंटेज गायब हो जाएगा, जब यहाँ पर नंबर सिस्टम पे आओगे ना तुम्हारी ज्योमेट्री गायब हो जाएगी। कारण है, आपने इस पढ़ी हुई चीज़ों को कभी लाइफ में अपडेट ही नहीं किया, कभी आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया। मैथ्स आप एक तरीके से नहीं सीखते हैं, आप एक दिन में भी नहीं सीखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, समय लगता है मेरे भाई। अगर मैं आपकी जगह एस्पिरेंट होता तो मैं बहुत सिंपल सा काम करता, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये काम करता कि सबसे पहली बात, अगर मैं कहीं पर भी किसी से परसेंटेज पढ़ रहा हूँ तो उस परसेंटेज को पूरा मैं निचोड़ देता। पहले मेरे टीचर ने पढ़ाया है मैं उसे पढ़ता, फिर उसके बाद मैं कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब लिखा के मैं उसके सॉल्व करता था, और उसके बाद मान लीजिए कि मैंने कोई एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट खरीद रखा है, कोई सेक्शनल मॉक खरीद रखा है, तो मैं मेरे भाई वहां पर उसके सेक्शनल मॉक देकर उसको खत्म करता। तो एक चैप्टर पर मैं इतनी पकड़ बना लेता, इतनी मेहनत कर लेता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। उसी तरीके से फिर जब मैं दूसरे चैप्टर पे पढ़ता तो मैं ऐसे ही काम करता। आप लोगों का जो सिलेबस का रिवीजन होता है ना, वो दो जगह से होता है, एक प्रीवियस ईयर की किताब से होता है और दूसरे आपके सेक्शनल मॉक से होता है। आप किसी टीचर के शीट को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार पढ़ सकते हो? एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद ऐसा लगेगा ना कि आप उसको रटना शुरू कर चुके हो। तो रटने वाला काम मत करो, रटने से कभी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुलेगी। कोई नया सवाल तुम्हारे पेपर में आ गया ना तो मेरे भाई बनेगा नहीं। बहुत ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, मेरे खुद के भी स्टूडेंट होते हैं, सर आपकी शीट को 3 बार लगा लिया, बहुत अच्छे से हम उसका पीठ थपथपाते, कहते जीवन में तुम्हारे इतना अच्छा काम तो किसी ने किया ही नहीं। मेरे भाई ऐसा काम नहीं करना है। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसकी शीट को रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप लोग क्या सोचते हो यहाँ पे कि भाई हम शीट रट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है? गलत है भाई, शीट को रटना नहीं होता है, वहाँ से कंसेप्ट सीखिए। आपके टीचर ने जो पढ़ाया उससे नॉलेज हासिल करिए, और उसके बाद तब आप प्रीवियस ईयर की किताब खुद से लेके, बैट से लेके, फिर उसके बाद उसको पूरा सॉल्व करना शुरू करिए। जब आप प्रीवियस ईयर की किताब लगाते हैं ना आपका दिमाग खुलता है। बड़े मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना बड़ा कम मेहनती होते हैं और सोचते हैं कि हम इसी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। मेरे भाई ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, रगड़ना पड़ता है खुद को, ठीक है? ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन लगा के सोचो कि पूरा गणित आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें पूछता है सर कैलकुलेशन कैसे सुधारें। अब आपको क्या लगता है कैलकुलेशन 2 × 4 = 8 ऐसा ही कैलकुलेशन आता है क्या? बढ़िया लेवल का आता है। अब खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कौन सा कोई यहाँ पर घुट्टी कोई आके आपको पिला देगा? भाई आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको 2 अंकों को 2 अंकों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 अंकों को 3 अंकों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट कैसे निकालते हैं वो सीखना पड़ेगा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है? आप ये कर सकते हो कि मैथ्स ट्रिक का नाम एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, रोज़ सुबह जो है 15 मिनट वहाँ पर प्रैक्टिस करो। अपने तैयारी के दौरान मैंने भी जो है उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया था। अब देखो, बोल दिया एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लोगे लेकिन उसको छोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, मोबाइल में रहेगा दिमाग में नहीं रहेगा। कंटेंट तो ऐसे सजा के रखो ना यार कि मोबाइल के साथ साथ दिमाग में भी रहे तो ज़्यादा फ़ायदा करे, ठीक है?